जिन्होंने जी यहाँ पे टूर करना है ना जयपुर में, हम उनके लिए बेस्ट प्लेसेस विजिट करने लगे हैं। देखते हैं कि ऐसे क्या बेस्ट प्लेसेस हैं जयपुर की। तो जो वेलकम बैक टू माय चैनल, तो आप हम जो अब हम जाते हैं जयपुर की टूरिस्ट प्लेसेस में, वहाँ जाके टूरिस्ट बन के देखते हैं और आप भी आ जाए टूरिस्ट बन के। तो स्टार्ट करते हैं उसके पहले, और जो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान में सिचुएटेड जयपुर के टॉप 12 डेस्टिनेशंस बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहली डेस्टिनेशन है सिटी पैलेस। इस जगह के लिए आपको एंट्री फीस देनी होगी जो कि है 200 रुपए पर पर्सन। यहां पर आप देख सकते हो मुबारक महल। ताजमहल के बाद इंडिया में ये सेकेंड बिल्डिंग है जो कि हर साइड से एक जैसी ही दिखती है। यहां के राजा के मेहमान सबसे पहले यहीं आते थे। 1959 में इस महल को म्यूजियम एंड टेक्सटाइल गैलरी बना दिया, जहां पर आप राजा एंड रानी के क्लोथ्स देख सकते हो। सिटी पैलेस में आप और भी काफी जगह देख सकते हो, जैसे कि आर्ट गैलरी, वेपन गैलरी, जहां आपको काफी सारे पुराने वेपन्स देखने को मिलेंगे। इन दोनों ही गैलरीज में फोटोज लेना अलाउड नहीं है। इसके अलावा आप यहां विजिट कर सकते हैं दीवाने खास एंड दीवाने आम। दीवाने खास में कैमरा अलाउड है एंड यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सिल्वर के बने जग, जो कि वर्ल्ड के बिगेस्ट जग हैं। इन जग की हाइट है 5.3 फीट एंड वेट है 340 किलो विदाउट वाटर। पानी के साथ इसका वेट हो जाता है 4000 किलो। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दीवाने आम में आप गैलरीज विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस जहां विजिट कर सकते हैं वो है हवा महल। यहां की एंट्री फीस है 50 रुपए पर पर्सन। हवा महल देखने में बहुत सुंदर लगता है एंड इस महल में 953 विंडोज बनी हुई है। यहां एंटर करते ही सबसे पहले आपको फाउंटेन दिखेगा, जहां आप अच्छी फोटोज क्लिक करवा सकते हो। इसके बाद आप वहां के लोकल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो, जो कि आपको वहां के लोकल आर्टिस्ट लाइव सुनाएंगे। हवा महल में काफी सारे रूम्स भी बने हुए हैं। यहां एंटर करने के बाद आपको लगेगा जैसे आप किसी भूल भुलैया में आ गए हो। हवा महल के सामने कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, जहां बैठकर आप हवा महल का फ्रंट व्यू एंजॉय कर सकते हो। इस लिस्ट में नेक्स्ट प्लेस है नाहरगढ़ फोर्ट। आप अपने व्हीकल से इस जगह तक पहुंच सकते हो या फिर आप बाइक हायर करके भी यहां आ सकते हो। इसके रास्ते में काफी सारे शार्प टर्न्स हैं, तो बस उनका ध्यान रखना। इस फोर्ट से आपको बहुत ब्यूटीफुल नजारा देखने को मिलेगा। नाहरगढ़ फोर्ट का क्लोज होने का टाइम रात का है, इसलिए इवन आप रात के 9 बजे भी यहां एंटर कर सकते हो। यहां से आपको बहुत ब्यूटीफुल नाइट व्यू देखने को मिलेगा पूरी सिटी का। जरा नजारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट प्लेस है एम्बर फोर्ट। ये फोर्ट राजा मान सिंह ने बनवाया था एंड इस फोर्ट में आप स्टेयर्स के थ्रू पहुंच सकते हो या फिर आप एलिफेंट राइड लेकर भी आ सकते हो। ये फोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुगल और इंडियन हिस्टोरिकल आर्ट्स एंड पेंटिंग्स। यहाँ पर आपको शीश महल भी देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर जाओ तो शिला माता मंदिर भी जरूर विजिट करना, वो इस फोर्ट में ही बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस आप विजिट कर सकते हैं वो है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये काफी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बिल्डिंग है एंड इसका निर्माण हुआ था 1867 में। इस म्यूजियम में आप देख सकते हो कॉइन्स, फर्नीचर, आयरन एंड वुडन क्राफ्ट्स, इंटरनेशनल आर्ट, पेंटिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्केल आर्ट, मार्बल आर्ट, मेटल आर्ट एंड और भी बहुत कुछ। यहाँ पर आपको चाइनीज, यूरोपियन, इंडियन, ग्रीक एंड और भी बहुत सारे आर्ट्स एंड हिस्ट्री का पता चलेगा। इन शॉर्ट आपको इस जगह पर राजस्थान की हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसको देखने मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इस जगह पर टूरिस्ट के लिए ऑडियो गाइड भी अवेलेबल है या फिर आप गाइड भी ले सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, अगर आप जयपुर आओ तो यहाँ पर जरूर विजिट करना। इस जगह पर आपको एक इजिप्टियन मम्मी भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्लेस जहाँ विजिट कर सकते हैं वो है जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट 1000 साल से भी पुराना फोर्ट है। यहाँ की एंट्री टिकट का प्राइस है 200 रुपए पर पर्सन। इस फोर्ट से आपको अरावली हिल्स का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। इस फोर्ट में आप तोप कैसे बनती है वो भी देख सकते हैं। इस फोर्ट की खास बात
बात ये है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप ऑन व्हील्स प्रेजेंट है, जो कि सिर्फ एक बार यूज हुई थी, वो भी टेस्टिंग के लिए। इस तोप की रेंज है 35 किलोमीटर। इस तोप का गोला जहाँ पर गिरा था उस जगह को लेक बना दिया एंड उस लेक का नाम है गोलीमार लेक। यहाँ पर एक खुफिया तहखाना भी मौजूद है जहाँ पर खजाना छुपाया जाता था एंड ये पानी के नीचे बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी टनल्स भी बनी हुई है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि एक टनल जैगर फोर्ट से अमेर फोर्ट तक भी जाती है। ये फोर्ट डिफेंस के लिए बनाया गया था एंड इस फोर्ट में आपको पुराने वेपन्स, ड्रेसेस, टूल्स ये सब देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप जयपुर कब विजिट करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जहां विजिट कर सकते हैं वो है बिरला मंदिर। ये जगह मोती डूंगरी पहाड़ी पर बनी हुई है एंड ये मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बिरला मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भारत में बने और बिरला मंदिर का ही पार्ट है। ये मंदिर विष्णु जी की पत्नी धर्म की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है एंड इस मंदिर में भोलेनाथ जी की भी मूर्ति स्थापित है। ये मंदिर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है जिससे इस मंदिर की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिरला मंदिर के बाहर एक बहुत प्यारा गार्डन भी बना हुआ है। सनसेट के टाइम आप इस मंदिर में जरूर प्रेजेंट रहना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जयपुर आओ तो इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर रखना। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है पत्रिका गेट। ये जगह न्यू जयपुर में बनी हुई है। पत्रिका गेट की दूरी रेलवे स्टेशन से है 13 किलोमीटर और हवा महल से है 9 किलोमीटर। पत्रिका गेट जाते हुए आप रास्ते में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, हवा महल एंड बिरला मंदिर विजिट कर सकते हैं। ये पत्रिका गेट काफी बड़ा बना हुआ है एंड यहाँ से आप एंटर कर सकते हो जवाहर सर्कल गार्डन में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है। पत्रिका गेट में एंट्री की कोई भी फीस नहीं है एंड ये पूरा टाइम खुला रहता है। यहाँ पर आप मॉर्निंग के टाइम विजिट करना, उस टाइम क्राउड बहुत ज्यादा नहीं होता है। इस जगह पर आप ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देख सकते हो एंड ये प्लेस इंस्टाग्राम रील्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ काफी लोग यहाँ पर अपनी प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं। नेक्स्ट प्लेस है जंतर मंतर। जंतर का मतलब होता है मशीन और मंतर का मतलब होता है कैलकुलेट। तो जंतर मंतर का मतलब बनता है वो मशीन जो कैलकुलेट करती है किसी चीज को। इंडिया में 5 जंतर मंतर बने हुए हैं लेकिन सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर में है। यहाँ पर आपको 14 डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस देखने को मिलेंगे जो पुराने समय में यूज होते थे टाइम और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। यहाँ आपको वो डिवाइस देखने को मिलेंगे जो 300 साल पहले बने थे एंड आज भी उनकी एक्यूरेसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ देती है। ये जंतर मंतर बाकी जंतर मंतर के जैसा नहीं है। यहाँ आपको हिस्ट्री की काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ आप एक गाइड भी कर लेना। नेक्स्ट प्लेस जहाँ विजिट कर सकते हैं वो है गेतौर की छतरियाँ। यहाँ विजिट करने की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। ये जगह राजस्थान के राजसी शासकों का शमशान घाट था। इस जगह की एंट्री फीस भी है जो कि है 30 रुपए पर पर्सन। वैसे तो इस जगह के साथ काफी दुख जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी इस जगह को बहुत ही सुंदर वे में प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुँचते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक विजिट आप यहाँ पर भी जरूर कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेस की जो कि है चौकीदानी। चौकीदानी जयपुर की बहुत फेमस प्लेस है एंड यहाँ आपको राजस्थान के अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलेगा। यहाँ आप आकर डिनर कर सकते हैं एंड साथ ही साथ बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ की एंट्री की टिकट है 1000 रुपए पर पर्सन। अंदर आपको पपेट डांस, कैमल राइड, हेड मसाज, बोटिंग, म्यूजियम, गेम्स एंड बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंडिया की हर सिटी की हिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि देखने में आपको काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो। जयपुर जाओ तो चौकीदानी जरूर विजिट करना। नेक्स्ट प्लेस जहाँ विजिट कर सकते हैं वो है जल महल। इसका निर्माण हुआ था 1799 में। जैसे कि इसका नाम है जल महल, वैसा ही ये बना हुआ है पानी के एकदम बीच में। जल महल में कोई भी रूम नहीं बना हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पर राजा एंड रानी टाइम स्पेंड करने आते थे। इसके अलावा जो भी उनके इवेंट्स एंड फंक्शंस होते थे वो भी उस टाइम के राजा यहीं ऑर्गेनाइज करवाते थे। इसके रूफटॉप पर एक बहुत खूबसूरत गार्डन बना हुआ है जो कि राजस्थान का हाईएस्ट रूफटॉप गार्डन है। इस महल में राजा अपने मेहमानों को भी लेकर आते थे। इस महल में काफी ब्यूटीफुल आर्ट बनी हुई है जिसे देखकर आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। ये थी टॉप 12 डेस्टिनेशंस जयपुर की। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
जैसे जैसे हम इनको एक्सप्लोर करते हैं तो हमें कुछ नया ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कितने पैलेस हैं, कितने यहाँ पे म्यूजियम भी है, फिर यहाँ पर वो किले हैं कितने, और साथ ही इनका वो कौन कौन से बेटे वो जल महल, कौन कौन से महल, फिर वाने खास और ये सारा कुछ ना। अच्छा इनकी वो पुतली कर पुतली तमाशा, उसका डांस जो होता है वो हो गया। फिर इसमें और क्या खास था, इनका सारा कल्चर भी हो गया बीच में। अच्छा इसमें फूड की कमी है, फूड पे भी इनके फूड भी जरूर देखेंगे, वो बड़े जबरदस्त होंगे, ट्रेडिशनल से होंगे। इनका तो गाइस आपको जी बहुत खास है, मुझे बहुत अच्छा लगा है इनका, इनका बहुत अच्छा गाइस। मतलब मैं तो सारी दुनिया से लोग यहां आते हैं मुझे विजिट करने, है ना, कैसी दुनिया की रास्ता है जी। जैसे कि हम यहां आगरा में लाहौर में बैठे बैठे कह रहे हैं कि राजस्थान जाती है दिल्ली, हालांकि ये दुनिया से लोग लाहौर भी आते हैं। देखिए जिस तरह की स्टोरी कर रहे हैं ना, हमारी सिटी भी ऐसे जी, इतनी बातें बजे बहुत कुछ यहाँ पे भी है। तो इंडिया का बड़ा होने की वजह से ना, उनके स्टेट्स ज़्यादा होने की वजह से ना, बहुत कुछ है। देखो अब एक छोटा सा हम छोटा सा दुनिया एक शहर देखे तो उसमें हमें इतना कुछ मिलता है देखने को जी। इतना अच्छा लगा ना इंडिया का हर एक शहर, उसकी ना उनकी अलग ही, उनकी रोशनी की अलग ही है जी। जीवन का अच्छा है ना, उनकी अलग ही चांद है, इतना अच्छा है ना, बहुत बहुत जी। तो फिर जी ठीक हो गया, उम्मीद करके आपको हमारे रिएक्शन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज शेयर भी कर दिया करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजा दो, उन्हें रिप्लाई करें कि कितनी अच्छी हम रहते हैं जी। तो जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको जो भी चीज़ जगह देखनी हो तो हमें कमेंट बताएं, जरूर बताएं, थैंक यू।